हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे रोमबस का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करें। रोमबस क्या है? रोमबस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो ये एक रोमबस है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये रोमबस हो गया। इसका आपको एरिया फाइंड करना है एंड पेरीमीटर, तो ये आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे फाइंड करें। ओके, मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा, तो वीडियो पूरा देखना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि रोमबस की डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। इसका मतलब यह है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। मींस ये और ये हिस्सा इक्वल है और जो ये पार्ट है वो इसके इक्वल है। तो मैं इसको नेम देता हूं ए बी सी डी। इसमें जो लॉन्ग डायगोनल है ए सी, दैट इज डी वन, और जो शॉर्टर डायगोनल है स्मॉलर बी डी, इसको डी टू नाम दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि ये डी वन है, तो यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो डी वन अपॉन टू होगा, इस डी वन का हाफ, और ये डी टू है तो इसका हाफ जो है वो डी टू अपॉन टू होगा। ठीक है, तो टाइम एट टाइम्स हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसका ध्यान रखना। अच्छा, अब एरिया क्या है, क्या होता है इसका? एरिया होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। एरिया ये कैसे हुआ ये मैं आपको समझाता हूं। आप अगर ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करें, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो एरिया है, ए बी सी की बात कर रहा हूं मैं, तो वो होता है हाफ इंटू बेस ए सी इंटू यहां से यहां तक परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है ओ बी, तो ये है हाफ इंटू डी वन इंटू ओ बी। देखो ए सी तो पूरा डी वन है, ओ बी डी वन का डी टू का हाफ है, सो इट विल बी वन अपॉन फोर डी वन डी टू। ये है एरिया केवल इतने हिस्से का, और उतना ही एरिया दूसरे पार्ट का भी है, तो जो टोटल एरिया है पूरे एबीसीडी का रोमबस का, वो इसका डबल हो जाएगा, वन अपॉन फोर डी वन इंटू डी टू, और एक कट के आ जाएगा वन अपॉन टू डी वन डी टू। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कि इसकी पेरीमीटर क्या है। इसका पेरीमीटर होता है टू स्क्वायर रूट डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ समझिए। अब आप कंसिडर कीजिए ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी में आप समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, एक राइट एंगल बनता है ये, जिसका ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर आपको साइड ए बी फाइंड करना है तो कैसे करोगे आप? तो ये होगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहां से आप देख सकते हैं ए ओ इज डी वन अपॉन टू और जो ओ बी है वो डी टू अपॉन टू स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं ये वन अपॉन फोर हो जाएगा, उसका वन अपॉन टू करके बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो इसमें हमने ये साइड निकाली, तो जो साइड है इसकी दैट इज हाफ ये, समझ गया आपको आ गया। और अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो तो आपको भी पता है कि पेरीमीटर के लिए हम इसमें फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे, टू सी ए टू कट जाएगा टू टाइम और ये हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इनके फॉर्मूले ऐसा क्यों है। अब मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रोमबस इन विच डायगोनल्स आर
8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी डायगोनल 8 एंड 6 है, तो देखो ये 8 है और ये 6 है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो पहली बात तो यह है कि ये भी बनाने की जरूरत नहीं अगर आपको फॉर्मूले पता है। तो इसमें डायगोनल्स 8 एंड 6 है, तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आप जानते हैं एरिया होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, तो सीधे ही पुट करके फाइंड कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर एंड दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो वो होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 एंड आंसर इज 20 सेंटीमीटर। एक साइड अगर आपको निकालनी है तो साइड भी आपको पता है, इसका हाफ 1/4 कर दो तो 5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी, साइड आ जाएगी इसकी, वन साइड। ओके, वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। बट द मेन प्रॉब्लम इज अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप क्या करोगे, इन केस यू फॉरगेट द फॉर्मूला फिर आप क्या करोगे। तो देखिए ध्यान रखो है, ये बिकॉज पूरा 8 है, ये आपको पता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। यहां से अब देखो, अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एरिया होता है हाफ इंटू बेस। अब देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनमें से किसी भी एक को आप बेस ले सकते हैं, किसी भी दूसरे को हाइट ले सकते हैं। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो पूरा एरिया है रोमबस का, तो इसके 4, क्योंकि चारों ये ट्राइंगल इसमें एक जैसे होते हैं, तो 4 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इन केस यू फॉरगेट द फॉर्मूला तो आपका ये है। और इसकी साइड कैसे, अगर पेरीमीटर फाइंड करना तो एक साइड फाइंड कर लो, और साइड भी बहुत सिंपल है बिकॉज ये जो ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी साइड पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9, 25 एंड 5, तो साइड तो 5 सेंटीमीटर आ गई एंड नाउ पेरीमीटर 4 इंटू 5, क्योंकि चार साइड है सारी एक जैसी हैं एंड इट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, रोमबस का एक बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।